दरिंदों के एनकाउंटर के बाद अजमेर में आतिशबाजी, युवाओं ने आतिशबाजी कर मनाया जश्न, पीड़िता को दी श्रद्धांजलि। आज सुबह हैदराबाद पुलिस ने जैसे ही दरिंदों को मौत की घाट पहुंचाकर उनका एनकाउंटर किया, उससे पूरे देश में जश्न का माहौल है। और आज अजमेर की युवाओं ने आतिशबाजी कर जमकर पटाखे फोड़कर पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उन्होंने दरिंदों को मौत की घाट पहुंचाया ताकि और कोई इस तरह की हरकत करने की सोचे भी ना। इस मौके पर युवाओं ने पीड़िता को फूलमाला अर्पित कर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी। हैदराबाद में जो हमारी बहन के साथ जो अमानवीय घटना हुई है, बलात्कार के बाद उनका जलाकर जो हत्या कर दी गई है, उसी को लेकर आज एनएसयूआई संगठन द्वारा उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आज उनके लिए सही में श्रद्धांजलि और सच्ची श्रद्धांजलि होगी, क्योंकि हैदराबाद पुलिस ने वहाँ जो मुख्य आरोपी थे चार, उनको गोली मार के उनका एनकाउंटर किया है। इसलिए हम सबसे पहले, हमारे लिए खुशी की बात है और हम प्रशंसा करते हैं सरकार के इस कदम की कि उन्होंने आज़ादी के पहली बार इंसाफ के लिए ऐसा कोई कदम उठाया गया है। इसके लिए हम धन्यवाद भी देते हैं तेलंगाना पुलिस को। और आज हमने आतिशबाजी करके यहाँ पर खुशी भी जाहिर की है, उसके बाद भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी है हमारी बड़ी बहन को। रियाज खान, एनएसवी। जिस तरह से कई दिनों से काफी देश पूरा शोक में डूबा हुआ था, प्रियंका रेड्डी जी को इंसाफ नहीं मिल रहा था, और जिस तरह से पुलिस ने अपराधियों को पकड़ करके उनका एनकाउंटर किया है, तेलंगाना पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट। और इससे अपराधियों में खौफ भी बना रहेगा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हिंदुस्तान की जनता का, जिन्होंने प्रियंका रेड्डी को इंसाफ दिलाने के लिए हर मोर्चे पर उन्होंने अपना जो भी कर सकते थे किया, और आज सच में प्रियंका रेड्डी को इंसाफ मिला है। और इसी को लेकर के आज हम लोगों ने एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और सभी संगठनों ने मिलकर के प्रियंका रेड्डी जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। और आने वाला जो समय, जैसे बलात्कारी लोग हैं, इनको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जो सोच करके भी ऐसा अपराध करने में उनको डर लगने लगे। डॉक्टर सुनील लारा, यूथ कांग्रेस।